करेंगे ना? मैं आपको कुछ पते की बात बताऊंगी, आहार और पोषण की। मैं आपसे बातें करूंगी विटामिन्स की, अलग अलग विटामिन्स की, उनकी विशेषताओं की। विटामिन हमारे भोजन के भी जरूरी तत्व है जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के विभिन्न अंगों के समुचित कार्य में मदद करते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोज जैसी अन्य तत्वों के शरीर में ठीक से उपयोग में भी मदद करते हैं। जैसे जैसे विटामिनों की खोज हुई, उनके नाम वर्णमाला के अनुसार रखे गए, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। सभी के अपने अपने गुण हैं, अपनी क्षमताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन ए से, लेकिन पहले इन्हें देखिए और पहचानिए। आपने ठीक पहचाना, ये सभी चीजें विटामिन ए के महत्वपूर्ण स्रोत है। पर हाँ, मुझे ना भूल जाइएगा दोस्त, विटामिन ए की खोज 1913 में दो वैज्ञानिकों मैकलहम और डेविस ने की। फिर इसमें अनुसंधान होते रहे। मुख्य रूप से विटामिन ए देखने की क्षमता के लिए उपयोगी है। विटामिन ए की कमी रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके दो तरह के स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत, दूसरा जंतु स्रोत। पादप स्रोत यानी वे वस्तुएं जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। जंतु स्रोत यानी पशुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मांस, मछली आदि। पादप स्रोत विटामिन ए बीटा कैरोटीन के रूप में मिलता है और जंतु स्रोत से रेटिनॉल के रूप में। अच्छा सोचिए, विटामिन ए की कमी कैसे होती है? अगर आपके भोजन में गहरी हरी साग सब्जियां, पीले फल सब्जियां ना हो तो विटामिन ए की कमी का खतरा हो सकता है। इसकी एक वजह और भी है, अगर बचपन में खसरा हुआ हो या बच्चे को अक्सर दस्त आते हो या किसी तरह की सांस की बीमारी हो या संक्रमण हो, तब भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। अरे देखिए देखिए, मोहन को क्या हुआ है? इसके शाम के वक्त अंधेरे में देखने की क्षमता कम हो जाती है। इसका समय पर इलाज नहीं करवाया गया तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। आइए देखें डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। डॉक्टर मैडम, ये मेरा बेटा है मोहन, पिछले कुछ दिनों से इसको शाम को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा।
पता नहीं क्या बात है, क्या तकलीफ है बेटा आपको? सुबह तो सब कुछ साफ दिखाई देता है, पर शाम को कई बार मुझे चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। और कई बार तो चलते चलते कुछ ही चीजों से मैं टकरा भी जाता हूँ। मैं पहले इसको चेक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। जी बेटा, एक आंख बंद करके और मुझे पढ़ के बताइए। सी टी पी। आ जाइए बेटा। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसको विटामिन ए डेफिशिएंसी है। इसको हम हिंदी में रतौंधी कहते हैं, और इसमें रतौंधी के अलावा इसको जो आँख का सफ़ेद हिस्सा है वो थोड़ा सूख रहा है, उसको हम कंजंक्टिवल ज़ीरोसिस भी कहते हैं। अगर विटामिन ए भोजन में सही मात्रा में ना लिया जाए, पर्याप्त मात्रा में, तो हो जाती है। ये विटामिन ए गहरी हरी सब्जियाँ जैसे कि पालक, और पीले फल जैसे कि पपीता, और लाल सब्जियाँ जैसे गाजर, इन सब में बहुत पाया जाता है। इसके साथ एक और बीमारी भी है जो आँख में हो जाती है रतौंधी के साथ साथ, जिसको कहते हैं कंजंक्टिवल ज़ीरोसिस और बाइटॉट स्पॉट। ये जो बाइटॉट स्पॉट है, इसमें आँख के सफ़ेद हिस्से में एक धब्बा सा पड़ जाता है, सफ़ेद धब्बा, जो कि पोंछने से भी नहीं मिटता। इसी तरह से कंजंक्टिवल ज़ीरोसिस एक बीमारी है जिसमें आँख का जो सफ़ेद हिस्सा है वो धीरे धीरे सूखता जाता है, क्योंकि आँख की नमी कम हो जाती है। ऐसे बच्चों को जिनको रतौंधी हो गई है, उनको हम एक कैप्सूल रोज़ विटामिन ए का 10,000 यूनिट देते हैं, 15 दिन तक कम से कम देते हैं, और अगर नहीं ठीक होता तो फिर हम उनको इंजेक्शन्स भी लगाने पड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बीमारी हो ही ना, तो इसके लिए बचपन से हम क्या उपाय करें, क्या एहतियात बरतें? इसका दो तरह से इलाज होता है कि ये हो ही ना। एक तो कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वो ये दवा मुफ्त देते हैं सरकारी अस्पतालों में। बच्चों को हर महीने एक चम्मच इसका घोल होता है विटामिन ए का, जो पिलाया जाता है 5 साल की उम्र तक लगातार। अच्छा, अच्छा। ठीक है, जिसके कारण ये बीमारी होती ही नहीं है। दूसरा, बच्चों को सही मात्रा में दूध, पनीर, अंडा, मांस, मच्छी दे सकते हैं, और हरी सब्जियां खूब देनी चाहिए, और लाल सब्जियां भी। अच्छा अच्छा। अब जैसे इसको ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो अब हम इसको एक कैप्सूल रोज देंगे विटामिन ए का। अच्छा। 15 दिन तक। जी जी। और ये हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में खाएगा तो इसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं ठीक होता है कैप्सूल से, तो फिर इसको इंजेक्शन भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए आपको हरी सब्जियां खूब खानी है। सचमुच विटामिन ए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सही मात्रा में लिया जाए तो आंखों के रोगों को रोकने में सहायता मिल सकती है। एक बात और है, अगर विटामिन ए का जरूरत से ज़्यादा सेवन करें तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा की परत निकलने लगती है, लीवर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि विटामिन ए की मात्रा कितनी जरूरी है, इसको किस किस रूपों में लिया जा सकता है। स्पेशल स्टाइल पर आज होम साइंस की कक्षा का विषय ही है विटामिन ए। यहाँ क्या बन रहा है? गाजर का रायता। गाजर का रायता। लगता है धनिया की चटनी बन रही है। देखो दोस्तों, ये सब स्वादिष्ट भी होंगे और विटामिन ए से भरपूर भी। चलो बनाने का तरीका भी समझ लेते हैं।
कितना स्वादिष्ट है। बथुए को रायते में डालकर भी खा सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आहा, देखो दोस्तों, ये सब स्वादिष्ट भी है और विटामिन से भरपूर भी। लो, तैयार है विटामिन से भरपूर चीजें। साथियों, अब तुम मुझे और मेरे साथियों को नहीं भूलोगे ना?